तो आज फिर से एक बार हम नए तरीके से बिना मेहनत मिनटों में 8 दिन की मलाई से 2 किलो घी बनाएंगे एकदम नए और अनोखे तरीके से। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स डोसा में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 8 दिन की मलाई को फ्रिज में रखा हुआ था। 2 घंटा पहले इसे हमने बाहर निकाल कर ढक कर रख दिया था। मलाई बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुका है, यानी कि ये फूल गया है। तो अभी आप मलाई का मात्रा देख लीजिए, इसके बाद हम इससे दूना देसी घी और दूना मक्खन कैसे बनाते हैं, वीडियो को आगे लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ हमने नॉनस्टिक का मोटे तले वाली कढ़ाई लिया है, सारे मलाई को इसमें निकाल देंगे। तो जब भी आप घी बनाएं ना, तो थोड़ा सा मोटे तले वाली और बड़ी कढ़ाई का प्रयोग कीजिएगा, ताकि मलाई कढ़ाई के तले में न चिपकने पाए और जब मक्खन उफान मारे तो नीचे न गिरने पाए। अब हम खलबट्टे का बट्टा लेंगे, मलाई के बीचों बीच रख लेंगे और इस तरीके से 2 से 4 बार इसे हम गोल गोल घुमाएंगे, यानी कि फेटेंगे। और आप देख सकते हैं मक्खन बनना ये शुरू हो गया, यानी कि मलाई बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। 2-4 बार और इस तरीके से हम घुमा देते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत या फिर दबाव डालते उसे नहीं फेटना है। अब ये हल्का हो गया, तो यहाँ हमने एक फिटकरी का एक टुकड़ा लिया हुआ है। क्या करेंगे, मलाई के ऊपर इस तरीके से 2 से 4 बार घुमाएंगे। फिटकरी का पाउडर नहीं प्रयोग करना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है, मलाई के ऊपर इस तरीके से हमें 2 से 4 बार घुमाना है। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मक्खन बन गया है और इसमें से जो दूध है वो बाहर निकल रहा है। इस तरीके से मैं निचोड़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम नया और अनोखा तरीका है। यकीन मानिए, बस इस फिटकरी को छूते ही मक्खन पूरा बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से एक बार आप घी बनाकर जरूर देखिएगा। अब इसमें हम साफ पानी डाल देंगे और पूरे मक्खन को छान करके बाहर निकाल लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिटकरी का पाउडर इसमें नहीं डालना है, बस फिटकरी को इस तरीके से घुमाना है। जैसे हम दूध वगैरह से पनीर बनाते हैं ना, तो फिटकरी का थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो पनीर का मात्रा ज़्यादा निकलता है। इसी तरीके से अगर हम ये जब मक्खन बनने लगता है थोड़ा सा फिटकरी लगा देते हैं तो ये मक्खन की मात्रा ज़्यादा निकलता है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम इसे गर्म करेंगे। तो गर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, इस फिटकरी वाले टुकड़े को कटोरी में रख लेंगे, इसमें आधा कटोरी पानी भर लेंगे और इसे किनारे रख देंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे, यानी कि गैस चला लेंगे और ये पानी को गर्म होने देंगे, दूध वाले पानी को। जैसे ये गर्म हो जाएगा, इस तरीके से चलाते रहेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये फिटकरी वाला पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरीके से इसे हम पकाते जाएंगे। इकट्ठा नहीं डालना है, 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से डालेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे इस तरीके से। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना, इसमें से छोटे छोटे आपको पनीर के टुकड़े दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है सूखा होने तक, यानी कि थोड़ा सा इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा तब तक इसे हमें पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी, और चीनी डालने के बाद भी इस तरीके से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी, अच्छे तरीके से मिला देंगे। 1 कटोरी पानी और डालेंगे, दोबारा ये मिलाएंगे हम, 1/2 कटोरी और पानी डाल देते हैं। जैसे ही हल्का सा ये गर्म हो जाएगा गैस बंद कर देंगे। यहाँ हमने लोटा लिया हुआ है, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और इस घी वाले पानी को हम छान लेंगे। एकदम नया तरीका है, आप देखिएगा कितना ढेर सारा घी बनाकर हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से छान लेते हैं चम्मच से चलाकर। पूरे घी वाले पानी को हमने छान लिया और ये जो बचा हुआ है वेस्टेज इसको हम हटा देंगे। चम्मच डालकर इसे किनारे रख देंगे और इसे हम हटा देते हैं। अब हम दोबारा गैस चलाकर कढ़ाई गर्म कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और यहाँ हमने मक्खन लिया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। तो जब भी आपको मक्खन से घी निकालना हो ना, तो उसे आप 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उससे भी घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा निकलता है। अब हम इस मक्खन को पूरी तरह से पिघल जाने देंगे लगातार चलाते हुए, इस तरीके से इसे पिघला लेंगे। तो जैसे ये मक्खन पिघलता है ना, काफ़ी तेज़ी से उफान मारता है, कभी कभी ये कढ़ाई से बाहर भी गिर जाता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से एक चम्मच डाल दीजिए, इससे ये उफान नहीं मारेगा। आप कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं इसे छोड़ करके। और देखिए, इसको हमने छोड़ दिया था, अब ये घी बनना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस चम्मच को बाहर निकाल देंगे। आप एक छोटी सी कटोरी भी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि हमें बार बार घी को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कढ़ाई के तले में भी नहीं चिपकता है और घी बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 हरी इलायची के छिलके, जिससे कि घी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। छिलके ही डाल दीजिए,
दाने डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसमें पकाएंगे। अब ये घी का मात्रा दूना निकले इसलिए हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चीनी, अच्छे तरीके से चला लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा और चीनी डालेंगे, यानी कि एक चम्मच चीनी का हमने प्रयोग किया है पूरा। इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब ये घी को हमें बिल्कुल दानेदार बनाना है तो हम साफ कटोरी में पानी लेंगे और इसमें पानी का छींटा मारेंगे, चलाएंगे, पानी का छींटा मारेंगे। इस तरीके से 3 से 4 बार छींटा थोड़ा थोड़ा मारते जाएंगे और घी को पकाते जाएंगे। इससे क्या होता है, घी बिल्कुल हमारे दानेदार बनता है। तो जब भी आप घी बनना शुरू हो, लगे कि आपको इसका पनीर जो ब्राउन हो रहा है, इस तरीके से पानी का छींटा मार दीजिएगा। अब ये घी पूरा बनना हमारा शुरू हो गया है, कलर ब्राउन हो गया, अब हम गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी मोटी है, ठंडा होते होते इसका कलर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमने घी बना करके तैयार कर लिया और इसका कलर भी आप देख लीजिए कितना प्यारा आया है, हल्का ब्राउन आया है। अब हम घी को छान लेते हैं। तो इस तरीके का आप स्टील का या फिर कांच का कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ हमने कांच के शीशे का जार लिया हुआ है। अब छलनी रखकर पूरे घी को हम छान लेते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से इस घी को आप बना सकते हैं और इस घी का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। मार्केट से बेहतरीन घी आप घर में बना सकते हैं। अब एक कटोरी में और ढेर सारा घी बचा है, इसे भी छान लेते हैं इसी तरीके से। और आप देख सकते हैं कढ़ाई में इतना ढेर सारा घी और बचा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कांच का जार, एक बोल और यहाँ हमने एक डब्बे में भी आधा डब्बा घी छान लिया हुआ है। इतने मलाई से हमने ढेर सारा घी बना करके तैयार कर लिया है, लेकिन और भी हम घी बनाएंगे तो बचा हुआ खुरचन हम कढ़ाई में वापस डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर तक इस तरीके से भूनेंगे। इसमें से घी निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर हमने पैन में पानी गर्म करके रखा हुआ था, 2 कटोरी पानी डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिला देते हैं और जैसे ही एक उबाल आएगा गैस बंद कर देंगे और इसे हम कटोरी में छान लेंगे। पूरे घी वाले पानी को हमें छान लेना है, चम्मच से चलाते हुए इसके पनीर को दबाते जाएंगे और पूरे घी वाले पानी को छान लेंगे। ये देखिए एक कटोरी हमने घी वाले पानी को छान लिया, इसे हम फेंक देंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे घी जम गया है। अब आप इसको देख लीजिए कितना बेहतरीन घी बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल दानेदार घी बना हुआ है। इस घी को आप कितने दिन भी रखें, यानी कि 2 साल 4 साल, ये घी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, इसी तरीके से दानेदार रहता है और कलर भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है, यानी कि बिल्कुल मार्केट की तरह घी आपको ये मिल जाएगा। तो एकदम नए और अनोखे तरीके से इस घी को ज़रूर बना करके देखिएगा। अब 2 घंटे के बाद ये घी ठंडा हो गया जो हमने लोटे में रखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से घी को छानेंगे और ये देखिए कटोरी वाले घी को भी आप देख लीजिए। तो लोटे वाले जो हमने पानी रखा हुआ था घी का, ऊपर से घी आ गया है, चम्मच हमने डाला हुआ था, चम्मच से ही छोटी सी कढ़ाई में इस तरीके से निकाल लेंगे। ऊपर से जितना घी रहेगा इस कढ़ाई में हम निकाल लेंगे और कटोरी में भी ऊपर देखिए घी जम चुका है। पानी को छानकर अलग हटा देंगे, घी को केवल छान करके कढ़ाई में हम निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा पानी इसमें नहीं डालना है और हम गैस चलाकर कढ़ाई को रख देंगे और इस घी को पिघला लेते हैं थोड़ा सा। ये काफ़ी चटर पटर करता है तो इस तरीके से हम ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा हटाकर इसके पानी को सुखा लेंगे, यानी कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये घी जो है ख़राब हो जाएगा। और इसे हम हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी था वो जल जाए। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया घी बन करके ये भी तैयार हो गया। इसे हम इसी डब्बे में छान लेंगे। तो ये देखिए बचे हुए पानी, घी के पानी से भी हमने घी बना लिया और इसका भी आप कलर देख लीजिए, बिल्कुल जैसा हमने पहले घी बनाया है उसी तरीके से इसका कलर आया है। तो इस तरीके से आप घी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती हो ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।